नमस्कार। आज अभी हम जो गेम देखने वाले हैं वो व्लाडिमीर क्रामनिक जो कि पुराने वर्ल्ड चैंपियन रहे, और अलीरेजा फिरोजा जो कि इस वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्स में जो रशिया में भी हाल ही में हुई थी फिनिश, उसके जो सबसे बड़े स्टार प्लेयर थे मुझे लगता है मैग्नस कार्लसन और करुणा कमुरा के बाद वो अलीरेजा ही थे, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से दोनों ही फॉर्मेट में चेस खेला बहुत ही क्लोज थे वो मैग्नस को भी हराने के ब्लिट्स में, और बहुत ही ड्रामेटिक फिनिश हुआ उस गेम का और मैग्नस को बाद में विन दे दिया गया। लेकिन जो गेम उन्होंने क्रामनिक के साथ खेला उसमें एक्चुअली हम एक मिडल गेम पोजीशन से देखते हैं, तो क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। इस पोजीशन में अभी आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही क्लोज टू एंड गेम वाला एक सिचुएशन आ गया है जहाँ पे रुकट सी फोर मारा, और अभी आप देख सकते हैं इस पोजीशन में कि चार चार पॉन है दोनों के पास, तीन माइनर पीस है, दो दो रुक्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकल एडवांटेज की तो डेफिनेटली डबल बिशप को यानी बिशप पेयर को हम लोग एडवांटेज मानते हैं। तो यहाँ पर वाइट ने नाइट डी टू खेला और आप देख सकते हैं कि डी फाइव को प्रोटेक्ट भी किया, साथ ही साथ सी फोर को अटैक कर रहा है वाइट। तो रुक सी टू खेला यहाँ पे ब्लैक ने, अलीरेजा ने, और यहाँ पे इस सिचुएशन में आके व्हाइट ने नाइट ई फोर खेला। नाइट ई फोर को आप देख सकते हैं कि अगर आप बी डी फाइव मारते हो तो रुक इनटू डी फाइव आ रहा है, और उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि अभी भी एक पेयर जो है नाइट का वो एक्सचेंज होने के बावजूद भी डबल बिशप अभी भी मेंटेन कर रहा है ब्लैक। तो बिशप कट डी फाइव मारा यहाँ पे और आफ्टर रुक कट डी सेवन बिशप ई सिक्स खेल दिया, और देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये इक्वली रहना चाहिए। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक कंडीशन में अगर एक बार ब्लैक ने ये स्ट्रक्चर मेंटेन कर लिया एफ फाइव और ई फोर तो फिर ये दोनों बिशप थोड़े से चांसेस क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इस बिशप को क्लोज कर सकते हो तो इसी एक सिचुएशन के कारण ही बिशप ई सिक्स वापस लिया होगा अलीरेजा ने, अदरवाइज बिशप इनटू ई फोर, बिशप इनटू ई फोर मार के रुक कहीं मूव कर दो और वो अपोजिट कलर बिशप एंडिंग डेफिनेटली ड्रॉ होनी चाहिए। पर डेफिनेटली अलीरेजा यहाँ पे सोच रहा होगा कि डबल बिशप है तो मैं एडवांटेज के लिए खेल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर रुक डी सिक्स खेला और अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेक्टेड है, वैसे फिलहाल कोई थ्रेट नहीं है, तो हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ जो थ्रेट है डी सेवन पे उसको बचाने के लिए रुक डी सिक्स खेला। लेकिन जैसे ही रुक बी एट खेला ब्लैक ने यहाँ पे, तो व्हाइट ने एक मूव एच फोर खेल दिया। एक बहुत यूजफुल मूव हो सकती है इस पूरे सिचुएशन में, क्योंकि बहुत बार आपको बैक रैंक के भी इश्यूज नहीं होते हैं कभी कभी, जैसे आप सपोज की रुक ए वन और आप रुक इम्प्रूव कर रहे हो तो चेक आके बिशप एफ वन को बिशप एच थ्री ऐसे मेटिंग पैटर्न्स बहुत ही कॉमन है, ये सब आ सकते हैं। तो एक हिसाब से एच फोर एक यूजफुल मूव है और फ्यूचर में कभी आप एच फाइव करके भी इन पॉन्स को प्रेशराइज कर सकते हो। तो उस हिसाब से उन्होंने एच फोर खेला, यहाँ पर अलीरेजा ने बिशप एफ एट खेला। बिशप एफ एट को आप देख सकते हो कि नाइट एफ सिक्स चेक से फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, और ये एक सिचुएशन थी जो एक्चुअली मुझे बताना था कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आके जो क्रामनिक ने डिसीजन लिया, तो इसी के कारण ही मानते हैं कि क्रामनिक जो पहले भी चेस खेलते थे, पोजिशनल चेस की अगर बात करें तो वो जो जिस स्कूल में शायद बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर्स होते होंगे वो वहाँ के प्रिंसिपल है, तो पोजिशनल चेस में डेफिनेटली क्रामनिक का जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम हाईर लेवल का है और बहुत ही उम्दा तरीके से वो अपना गेम दिखाते हैं। उसमें बहुत सारे गेम्स उन्होंने खेला है, बीच में एक ऐसा ही रुक सेक्रीफाइस उन्होंने हरी कृष्णा के साथ भी दिया था, तो बहुत ऐसे अच्छे गेम्स होते हैं। हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ रुक के अपना डिसीजन ले सकते हो कि कैसे इसको कंटिन्यू करना चाहिए इस गेम को वाइट ने, और अगर हम बात करें गेम की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने रुक इनटू ई6 मार दिया। अब ये एकदम देखा जाए तो डिबेटेबल डिसीजन है कि रुक इनटू ई6 के बाद अगर आप एफ इनटू ई6 मारते हो और रुक डी1 आ जाता है, तो इसमें क्रामनिक का एक्चुअली एनालिसिस में बाद में बोलना था कि ये जो नाइट है ई4 का ये एक्चुअली यहाँ तो रुक के इक्वलेंट है, यहाँ इससे बेटर ही होना चाहिए, कम तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये नाइट को अभी कोई रिमूव नहीं कर सकता यहाँ से, आपके पास डार्क कलर बिशप है, ये लाइट स्क्वायर है, वेल प्रोटेक्टेड है, नाइट एफ टू को बचा रहा है, मतलब किसी भी हाल में आप एफ टू को अटैक नहीं कर सकते हो, और ये पोजीशन एक्चुअली टाइम प्रेशर में ब्लैक को खेलना मुश्किल है, वाइट तो बड़ा इजीली इसमें इम्प्रूव कर सकता है और अगर वो चाहे तो वेट करके भी आराम से ड्रॉ कर सकता है इसमें। तो देखा जाए तो ब्लैक को ही इसमें प्रॉब्लम्स है,
ऐसा क्रामिक का मानना था आफ्टर रुक डी वन. सो यहाँ पे रुक सी सेवन खेला और हम आगे देखते हैं कि रुक ए वन आया यहाँ पे व्हाइट, किंग एफ सेवन खेला और फाइनली आप देख सकते हो कि थोड़े थोड़े डिफिकल्टीज फेस हो रहे हैं ब्लैक को कि कहाँ पे पीसेस को रिग्रुप करें. फिर से रुक ए फाइव खेला, जी ई फाइव मर रहा है, रुक डी एट आया यहाँ पे और रुक डी एट को बिशप एच थ्री एक मुंह खेला उन्होंने, क्योंकि अगर आप रुक इन टू डी फाइव ई फाइव मारते हो तो शायद रुक डी फाइव आके रुक एक्सचेंज हो रहा था, इसलिए इमीडिएट पॉन नहीं मारा उन्होंने. बिशप एच थ्री खेला, बी जी सेवन और रुक ए सिक्स आ गए. अब ई सिक्स मर रहा है, डेफिनेटली अब इसको बचाने के लिए रुक ई सेवन खेलना ही पड़ेगा. अभी नाइट डी सिक्स चेक दिया, रुक डी सिक्स के रुक ई सेवन के अलावा आप रुक ई एट नहीं खेल सकते थे बिकॉज नाइट डी सिक्स चेक में दोनों में फोर कर रहा था, इसलिए नाइट रुक ई सेवन खेला था. नाइट डी सिक्स खेलने के बाद किंग एफ एट गए यहाँ पे वो और आफ्टर किंग जी टू. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो नाइट ई फोर किंग एफ सेवन नाइट डी सिक्स परपैचुअल भी हो सकता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने बोला कि क्रामनिक ने एनालिसिस में बोला था कि ये पोजीशन में एक्चुअली ब्लैक को डिफिकल्टी है कि इसको कैसे बचाएंगे. तो रुक बी एट खेला यहाँ पे ब्लैक ने, नाइट ई फोर फिर से वापस आए वो किंग जी एट और इस पोजिशन में आके बिशप इन टू ई सिक्स मार दिया. अभी आप देख सकते हैं कि पहले जब रुक इन टू ई सिक्स मारा था तो कोई पॉन एक्स्ट्रा नहीं थी, अब इस बार एक नाइट और एक पॉन है फॉर अ रुक और उसमें थोड़े वीकनेसेस हैं जी सिक्स और ई फाइव, तो एक परफेक्ट पोजीशन है वाइट को कंटिन्यू करने के लिए. किंग एच सेवन खेला, बिशप डी फाइव. डेफिनेटली मैं जब गेम देख रहा था लाइव में तो मैं सोच रहा था कि एच फाइव सेक्रीफाइस देके भी बिशप एफ फाइव वापस आ सकते हैं, पर क्रामनिक ने उसमें भी और एक अच्छा खेला था कि जी फाइव करके जी फोर करके एच फाइव खेला ताकि ये पॉन हमेशा यहाँ पे रहे. सो बिशप ई सिक्स वापस आया वो, रुक सी सेवन, नाइट डी सिक्स, रुक टू एफ एट. डेफिनेटली एफ टू पे थ्रेट करना एक ओनली रिसोर्स हो सकता है इस गेम में. तो नाइट ई फोर वापस आया, रुक बी एट और फाइनली यहाँ पे जी फोर खेल दिया. किसी भी हालत में व्हाइट नहीं चाहेगा कि ये पोजिशन में रिपीटेशन करके ड्रॉ ले लूँ, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा पोजिशन लग रहा है व्हाइट को खेलने के लिए. और डेफिनेटली जब ओपोनेंट टाइम प्रेशर में है तो ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारे ट्रिक्स आ सकते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने रुक बी फोर खेला, एफ थ्री पे अटैक है एच फाइव. अभी आप रुक इन टू ई फोर शायद अगर जाओगे तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसमें. आप थोड़ा रुक के चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे ही आप रुक इन टू ई फोर मारोगे तो एच जी आ रहा है और एच जी आने के बाद आप देख सकते हैं कि किंग एच एट ओनली मोया, आप इसको मार नहीं सकते हो, बिशप चेक में रुक मर जाएगा. रुक पोजिशन भी शायद बेटर ही है, तो किंग एच एट खेलना पड़ेगा और इसको बिशप एफ फाइव आ रही है जिसमें अभी आप अगर रुक बचाते हो तो रुक एट चेक आ रहा है. तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम्स थे अगर आप रुक इन टू नाइट मारते हो तो. सो जी कट एच फाइव मारा वहाँ पे इंस्टेड ऑफ रुक इन टू ई फोर. तो जी कट एच फाइव को उन्होंने चेक दे दिया पहले बिशप एफ फाइव, क्योंकि अभी ई फोर को प्रोटेक्शन मिल गया है और जैसे ही किंग हटते हो तो जी कट एच फाइव मार दिया उन्होंने. और अभी आप देख सकते हो कि इस पोजीशन में अभी भी वाइट एक एक्स्ट्रा पॉन के साथ खेल रहा है विथ दैट स्ट्रॉन्ग नाइट ऑन ई फोर. सो यहाँ पर किंग एफ सेवन खेला उन्होंने, बी जी सिक्स चेक दिया क्रामनिक ने, किंग ई सेवन खेला यहाँ पे ब्लैक ने और आफ्टर नाइट जी थ्री अभी नाइट जो है जी थ्री आके एफ फाइव चेक दे सकते हैं और जी सेवन और एच सिक्स दोनों को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस पोजीशन में. तो किंग डी सेवन खेला चेक रिमूव करने के लिए, यहाँ पे नाइट एफ फाइव आया, जी सेवन मर रहा है जिसमें किंग सी एट आया. क्रामनिक ने सोचा शायद बिशप नाइट और रुक मिलके इधर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं तो किंग को ज़्यादा सेफ रहेगा कि बी एट या बी सेवन पे रखें और फिर इनको ट्राई करें डिफेंड करने की, लेकिन वो भी शायद पॉसिबल नहीं था क्योंकि आफ्टर रुक एट यहाँ पर किंग बी सेवन खेला और आफ्टर रुक जेट अभी बिशप मर रहा है. अगर आप इसको मारते हो बिशप एफ सिक्स तो नाइट इन टू एच सिक्स आ रहा है और नाइट इन टू एच सिक्स को यहाँ पर एक्चुअली में कुछ और चांसेस थे, जैसे कि आप रुक सी एट खेल सकते हो यहाँ पे और आफ्टर किंग जी थ्री में भी किंग सी सेवन आ सकते हो और अभी रुक कट रुक किंग कट रुक और मे भी ये इक्वल रहने के ज़्यादा चांसेस थे इसमें, लेकिन आफ्टर नाइट एच सिक्स उन्होंने रुक एच फोर खेला और ये एक्चुअली एक सीरियस मिस्टेक था इस गेम का. सो इसके बाद नाइट एफ फाइव आ गए वाइट और अभी रुक जी फोर चेक के बाद किंग एफ थ्री खेला उन्होंने, रुक जी फोर पे अटैक है, रुक जी फाइव जैसे ही आए तो यहाँ पर नाइट डी सिक्स चेक आ गया और अभी आप देख सकते हैं नाइट डी सिक्स चेक को अगर किंग आप कहीं भी मूव करते हो तो दो पीसेस जो है वो दोनों पे आराम से फोर कर सकता है.
तो यहाँ पे नाइट ई फोर खेला और डेफिनेटली आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि आप किसी एक को बचा ले। अगर आप बिशप कहीं रिमूव करते भी हैं तो भी नाइट इन टू मार के बिशप ई फोर चेक में, सपोज आपने बिशप ई सेवन खेला, वैसे नाइट ई फोर को रिजाइन कर दिया था अलीरजा ने, बट बिशप ई सेवन आपने खेला तो चेक बिशप इन टू और बिशप ई फोर चेक में फिर जी सेवन मर रहा है, जी फाइव मर रहा है सॉरी। तो ये एक बहुत ही अच्छा पोजिशनल चेस का एक लेसन था देखा जाए तो यंगस्टर अलीरजा के लिए। लेकिन जिस प्रकार की चेस उन्होंने खेली थी, जैसे नकामुरा को हराया उन्होंने जो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है देखा जाए तो ब्लिट्स में, और उसके बाद कार्लसन को भी ऑलमोस्ट हरा दिया था, लेकिन कुछ रूल्स के प्रॉब्लम के कारण वो कार्लसन को विन दे दिया। लेकिन इस गेम में मैं बोलूंगा कि रुक इन टू ई सिक्स के बाद डेफिनेटली क्रामनिक ने अपना जो क्लास है वो दिखाया था, तो एक बहुत अच्छा लेसन था, बहुत अच्छी चीज थी समझने के लिए कि कैसे डिसीजन ले सकते हैं आप गेम के इतने इम्पोर्टेंट पार्ट में आके। सो ये एक बहुत अच्छा गेम लगा था मुझे। तो हम क्विकली और भी गेम्स देखेंगे और कोशिश करेंगे कि और उसमें जो जो अच्छे पॉइंट्स हुए थे, जो जो अच्छे सिचुएशंस थे उनको देखें। 2019 में बहुत अच्छे गेम हुए थे, मैंने बहुत सारे आर्टिकल देखा था कि टॉप 10 बेस्ट गेम्स ऑफ 2019 ऐसा। मैं कोशिश करूंगा कि 5-7 जो अच्छे गेम्स हुए थे उनको मैं लाऊं अब तक। और आपको अगर कोई लगता है कि और एक कोई गेम हुआ था जो कि शायद टॉप लेवल पे ना भी हो, नॉर्मल टूर्नामेंट में भी हो, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर।